Hello and uh, welcome, guys, uh, once again uh, to Upnisad. And this is me, Pratyush. And uh, let's start your classes of uh, analogy. This is the fourth class of analogy that we'll be doing today. One more class, and uh, we have covered all the टॉपिक्स विच आर यू नो इंस्क्राइब्ड इन एनालॉजी। एनालॉजी में जिस जिस भी तरह के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग फाइव तरह के फाइव तरह के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है गाइज एंड वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ ओके तो क्वेश्चन नंबर वन इज़ हेयर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ़ यू आई होप सो ऑल ऑफ यू आर रेडी एंड लेट्स बिगिन द क्लास ओके सो हैलो किरणप्रीत जी हेलो भावना जी hello maheshwari Mutuji, issue hello chenika ji hello how are you okay hello ragini ji hello so vaishnavi ji hello so guys i hope so all of you are ready and uh, let's begin it so question number 1 iron is to copper therefore zinc is to what Okay. सबसे पहले ये जो एनोलॉजी वाली क्वेश्चन होती है ना इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ये आपको देखना होगा कि आयरन और कॉपर में क्या रिलेशनशिप है ठीक है आयरन और कॉपर में क्या रिलेशनशिप है गाइस ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा आप जैसे ही समझ जाओगे कि आयरन और कॉपर में क्या रिलेशनशिप है तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि जिंक को आपको किसके साथ रिलेट करना है अब आयरन और कॉपर दोनों क्या है दोनों एक हिसाब से अगर आप देखो तो एक चीज आप बोल सकते हो कि दोनों के दोनों ही मेटल हैं दोनों के दोनों ही क्या है गाइस दोनों की दोनों ही मेटल हैं दिस इज वॉट यू कैन से बाकी और कोई सिमिलैरिटी तो समझ में नहीं आ रही है ठीक है तो जिंक इज टू वॉट होगा जिंक इज टू सेरेमिक होगा जिंक इज टू कार्बन होगा जिंक इज टू सिल्वर होगा या जिंक इज टू कॉक होगा वॉट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर ईयर हेलो श्वेता जी हेलो वैष्णवी हेलो ब्रिजेश जी हाउ आर यू डूइंग हेलो ओके okay. धातु ब्रिजेश धातु जी मेटल है धातु है जी ब्रिजेश वही मैं भी बता रहा हूँ कि मेटल ही हैं तो चलिए उसी एक आ, हिंट के साथ में चलते हैं कि आयरन और कॉपर दोनों ही मेटल हैं उसी तरीके से जिंक जिंक और सेरेमिक तो मेटल नहीं होता है कार्बन तो नहीं होता सिल्वर ठीक है सिल्वर होना चाहिए क्या सिल्वर होना चाहिए सिल्वर है या नहीं है क्योंकि सिल्वर भी एक तरीके का मेटल ही है आइए देख लेते व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेलो रोहित जी ब्रिजेश आंसर इज ए ओके सो एकेट इज द करेक्ट आंसर ऑल आर मेटल्स ठीक है ऑल आर मेटल्स ठीक है तो आई यहां पे देख लेते सी सी इज द करेक्ट आंसर एंड सी क्या था सिल्वर था ठीक है तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था ब्रिजेश जी बता रहे थे हिंदी में आप इसे क्या बोलोगे हिंदी में आप इसे बोलोगे मेट, uh, मेटल्स को धातु धातु कहते हैं हिंदी में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू काफ इज टू किड काफ इज टू किड काफ क्या होता है एक किड होता है ठीक है तो उसी तरह पप क्या होगा पप क्या होगा ठीक है तो आप लोगों को बताना है काफ इज टू किड किटोर पप विल बी ठीक है है तो काफ जो है, वो किड होता है तो पप क्या होगा पप पप इन्फेंट होगा 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 यंग लार्वा या पप एनिमल होगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर ये आप लोगों को बताना है तो गाइस थोड़ा सा सोचिए थोड़ा सा समझिए फिर बताइए मुझे व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन ठीक है काफ इज टू किड किटो पप इज टू वट ठीक है सो so, uh, किरण्रीत जी इज सेंग सी ओके जगन्नाथ इज ए श्वेता इज ऑल्सो सेंग सी ओके ठीक है चलिए और कोई ओके okay, ये सी तो मुझे लग रहा है शायद पिछले क्वेश्चन का है ठीक है इस क्वेश्चन का जवाब बताना है काफ इज टू किट देयर फोर पर्प इज टू वट इन्फेंट यंग लार्वा या फिर एनिमल वट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन ठीक है थोड़ा <coughs> सा सोचिए और फिर मुझे बताइए कि सही जवाब इसका क्या होगा तो काफ और किट जो है और पप की इसके साथ में अगर आप देखेगा तो ये सारे के सारे क्या हैं यंग वंस ऑफ एनिमल ठीक है यंग वंस ऑफ एनिमल ठीक है यंग वन जो होते हैं एनिमल के ठीक है यही है हेलो लव कुमार जी ओके okay. so, तो यंग वन ऑफ एनिमल हैं तो काफ इज टू कीट देर फॉर पप इज टू वॉट होगा पप इज टू आप एक हिसाब से बोल सकते हैं कि पप जो है एक हिसाब से इन्फेंट जो होता है उसका या फिर यंग वन जो होता है वो भी हो सकता है ठीक है तो यंग वन भी हो सकता है तो अगर आपने ए किया है या बी किया है तो दोनों ही एक हिसाब से इसमें सही माने जाएंगे ठीक है ए किया है या बी किया है तो दोनों ही एक हिसाब से इसमें सही माने जाएंगे ए और बी दोनों ही एक हिसाब से इसमें सही माने जाएंगे पे जबकि सी लिखा हुआ है सी जो था वो लार्वा था बट अगर आपने ए और बी में से कुछ भी किया है तो वो सही माना जाएगा ठीक है चलिए लेट्स मूव लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जूट इज टू कॉटन जूट और कॉटन में क्या रिलेशन होता है जूट अगर आपने घरों में देखा होगा तो जिससे बोरा हम लोग जो बोलते हैं बोरा वो जूट से बनता है और कॉटन कॉटन तो आपको समझ ही रहे हो सूती जो कपड़े होते हैं उससे बोलते हैं हम लोग तो उसी तरह वूल और टेरिलिन में सेम रिलेशन होता है वूल और सिल्क में सेम रिलेशन होता है वूल और रेयन में सेम रिलेशन होता है वूल और नाइलॉन में सेम रिलेशन होता है तो आप लोगों को बताना है क्या इसका सही जवाब so बताइए मुझे वट इज करेक्ट आंसर ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो जूट और कॉटन दोनों क्या है जो है वुल इज टू वॉट क्या होना चाहिए देखिए एक चीज और आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को तो आपको समझ में आ जाएगा लव कुमार जी बता रहे सिल्क होगा हेलो हेलो खुशबू प्रमोद श्रीनिवास जी हेलो हाँ यू खुशबू जी ओके एक कॉमन यहां पे ट्रेट है जगन्नाथ जी बता रहे हैं बी होगा सोहन दुबे जी हेलो किरणप्रीत बी बता रही है देखिए जूट कॉटन उल, ये तीनों के तीनों अगर आप देखिएगा तो ये तीनों के तीनों क्या हैं नैचुरल हैं नैचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं ये कैसे मिलते हैं प्राकृतिक रूप से नैचुरल रूप से मिलते हैं इनको बनाना नहीं बनता है तो उसी तरह से टेरिलिन रेन नायलोन ये क्या है ये नेचुरल नहीं है ये नेचुरल नहीं है लेकिन सिल्क सिल्क हमको कहां से मिलता है सिल्क मिलता है सिल्क से सिल्क कहां से मिलता है सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से सो बी सिल्क इज द करेक्ट आंसर सिल्क इज द करेक्ट आंसर सारे के सारे क्या है नेचुरल फाइबर हैं सारे के सारे नेचुरल फाइबर हैं ओके हेलो महेश्वरी मुथु जी यस आई एम ऑसम खुशबू जी पलवी जी, यस, yes, राइट right. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायमंड टू सफायर। डायमंड जो है डायमंड और सफायर को साथ में ले लिया गया है डायमंड और सफायर को साथ में ले लिया गया है देर फोर टू वॉट अब देखिए, डायमंड क्या होता है डायमंड हम लोग हीरे को बोलते हैं ठीक है सफायर जो है वो भी एक तरीके का क्या होता है बहुत ही महंगा जिसको आप बोलते हैं प्रीसीएस जेम्स

देखिए अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे सत्यमजी सिंह सी कि गोल्ड क्या है गाइस गोल्ड क्या है गोल्ड एक तरीके से मेटल हो गया सिल्वर क्या है सिल्वर भी एक तरीके से मेटल हो गया ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज क्या है ब्रॉन्ज भी एक तरीके से मेटल हो गया लेकिन यहां पे जितने भी हम लोग देख रहे हैं डायमंड क्या मेटल है नहीं कीमती धातु सफायर क्या मेटल नहीं कीमती धातु रूबी क्या मेटल है नहीं कीमती पत्थर है कीमती पत्थर है ठीक है डायमंड भी आप क्या बोल सकते हो कि एक हिसाब से कार्बन ठीक है लेकिन मेटल तो नहीं है ना तो जो है वो होना चाहिए एमरल्ड क्या है वो भी एक तरीके so, so, से कीमती पत्थर है so, आप सब लोगों को समझ में आ गया हो लेट्स मूव गाइज एंड लेट्स क्लच इज टू ब्रेक गाड़ी जब आप चलाते हो बाइक जब आप चलाते हो तो बाइक में क्या होता है क्लच होता है जिसको आप आ... दबाते हो ठीक है उसको जितना आप छोड़ दोगे फिर उसके हिसाब से एक्सेलरेटर और वगैरह दे सकते हो तो क्लच और ब्रेक में जो रिलेशनशिप होता है वो सेम रिलेशनशिप हॉर्न और किसके बीच में होता है वो सेम रिलेशनशिप हॉर्न और किसके बीच में होता है ये आप लोगों को बताना है ठीक है तो क्लच और ब्रेक में जो रिलेशनशिप होता है वो सेम रिलेशनशिप हॉर्न और किसके बीच में होता है ये आप लोगों को बताना है तो ये क्या है स्कूटर स्टियरिंग कार या फिर एक्सीडेंट स्कूटर स्टियरिंग कार या फिर एक्सीडेंट ठीक है तो अगर आप एक हिसाब से देखिए तो क्लच ब्रेक हॉर्न ये सारे के सारे पार्ट हैं किसके पार्ट हैं ये सारे के सारे पार्ट हैं एक हिसाब से आप देखिए तो कार के बाइक के पार्ट होते हैं ठीक है बाइक में होता है ना क्लच भी होता है ब्रेक भी होता है हॉर्न भी होता है ठीक है और कार में क्या होता है कार में आप देखोगे क्लच है ब्रेक है हॉर्न है तो उसके साथ साथ में क्या है उसके साथ साथ में क्या है उसके साथ साथ में क्या है उसके साथ साथ में होती है स्टीयरिंग उसके साथ साथ में क्या होती है उसके साथ साथ में होती है है स्टीयरिंग ठीक तो ऑल आर पार्ट्स ऑफ कार ऑल आर पार्ट्स ऑफ कार याद रखेगा इज टू कैरोट ठीक है पोटैटो आलू और कैरोट गाजर आलू और गाजर में क्या रिलेशनशिप है वही सेम रिलेशनशिप है रेडिस रेडिस जो मूली होती है रेडिस और टोमेटोस पीनेसमे या फिर ग्राउंड अब देखिए पोटैटो और कैरोट और रेडिस अगर तीनों ही आप देखिए तो उसमें एक कॉमन ट्रेट है क्या कॉमन ट्रेट है गाइस? पोटैटो कैरोट और रेडिस अगर तीनों ही आप ध्यान दीजिएगा तो तीनों पोटैटो कैरोट और रेडिस तीनों ही क्या हैं? तीनों ही कहां उगाए जाते हैं पोटैटो कैरोट तीनों ही ग्राउंड के नीचे में होते हैं कहां पे होते हैं तीनों ही ग्राउंड के नीचे में होते हैं ठीक है तो उसी तरीके से टोमेटो क्या ग्राउंड के नीचे होता है स्पिनच क्या ग्राउंड के नीचे होता है सेस में तिल क्या ग्राउंड के नीचे में होता है ग्राउंड नट ये क्या ग्राउंड के नीचे होता है तो नाम ही दिया हुआ है ग्राउंड नट ये क्या नाम दिया गया है ये नाम ही दिया गया है ग्राउंड नट तो आई होप सो कि आप लोगों को आंसर समझ में आ गया कि सारे के सारे जमीन के नीचे हो रहे हैं सारे के सारे क्या हैं जमीन के नीचे होते हैं यस yes, जी और वेरी राइट सत्यम जी यस yes, रूट ही होता yes, nice. है यस करेक्ट आंसर वेरी नाइस चलिए ठीक है सो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस ऑल आर ग्रोन अंडरग्राउंड लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रैंड फादर इज टू फादर ग्रैंड फादर और फादर में क्या रिलेशन होता है ग्रैंड फादर और फादर में जो रिलेशन होता है वही सेम ब्रदर इज टू किसके बीच में होगा सन इन लॉ ब्रदर और सनलॉ के बीच में सेम रिलेशन होगा ब्रदर इज टू सन के बीच में सेम रिलेशन होगा ब्रदर इज टू फादर इन लॉ के बीच में सेम रिलेशन होगा या ब्रदर इज टू बेबी के बीच में सेम रिलेशन होगा थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश है ग्रैंड फादर और फादर के बीच में क्या रिलेशन होता है ग्रैंड फादर और फादर के बीच में पिता और पुत्र का दादा और दादा और पिता के बीच में क्या रिलेशन है ब्लड का रिलेशन है खून का रिलेशन है तो ब्रदर ब्रदर और सन इन लॉ के बीच में खून का रिलेशन ब्रदर और सन के बीच में खून का रिलेशन है ब्रदर और फादर इन लॉ के बीच में ब्लड का रिलेशन है ब्रदर और बेबी के बीच में खून का रिलेशन है किसके बीच में खून का रिलेशन है देखो अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर मैं सन इन लॉ करता हूं तो क्या सन इन लॉ के साथ में दामाद के साथ खून का रिश्ता होता है नहीं होता है नहीं होता है क्या फादर इन लॉ के साथ में खून का रिश्ता होता है फादर इन लॉ के साथ में भी खून का रिश्ता नहीं होता है बेबी बेबी मतलब कोई भी बच्चा यहां पे यह नहीं बोला गया है कि किसकी बेबी ठीक है तो बेबी भी आप एक हिसाब से छोड़ सकते हो अगर आप ग्रैंड फादर इज टू फादर ब्रदर इज टू सन करते हो तो यहां पे क्या देखोगे इन सब के बीच में क्या होता है ब्लड रिलेशन होता है इन सब के बीच में क्या होता है खून का रिश्ता होता है ब्लड का रिलेशन होता है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो याद याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल आर ब्लड रिलेशन ठीक है ये सारे के सारे ब्लड रिलेशन है ना ओम इज टू वट ओम इज टू वाट ठीक है दे फॉर वोल्ट इज टू वाट ठीक है तो ये क्या है एक हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये आप लोगों ने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा फिजिक्स में पढ़ा होगा ओम इज़ टू वाट दे फॉर वोल्ट इज़ टू वाट ठीक है एक यूनिट यूनिट आप लोगों ने पढ़ी होगी ठीक है ये यूनिट की बातें कर रहे हैं जैसे किलोग्राम एक यूनिट होता है जैसे मीटर एक यूनिट होता है उसी तरीके से जैसे लीटर एक यूनिट होता है उसी तरीके से ओम वाट वोल्ट ये सारे के सारे आ, क्या है यूनिट हैं ठीक है किसके यूनिट है ये सारे के सारे यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी के ये सारे के सारे किसके यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी के तो उसी तरीके से एक और क्या है एक और यूनिट आपको बता दो तो, लाइट क्या इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी क्या इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है आर क्या इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है एम्पेयर क्या इलेक्ट्रिसिटी की होती है? जी हाँ जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी की होती है. तो याद रखेगा चने के बीच में क्या रिलेशन होता है जो रिलेशन होता है पल्स एंड राइस के बीच में पल्स और बार्ले के बीच में पल्स और बीन्स के बीच में पल्स और कोकोनट के बीच में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब पीस ग्राम पल्सेस और इसके साथ में क्या लिया जाए ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका राइट right आंसर क्या होना चाहिए अब देखिए यहां पे ना थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूं मैं ठीक है उस हिंट को थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा जो वेजिटेरियन होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं जो नॉन वेज होते हैं वो नहीं जो वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है उनके लिए जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है गाइस व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द वेजिटेरियंस ठीक है क्या होता है प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स सबसे बेस्ट सोर्स होता उनके लिए होता है प्रोटीन का पल्स pulse, पल्सेस दाल ठीक है दाल जो होते हैं वो सबसे बेस्ट सोर्स होता है ठीक है पल्लवी जी आप वेजिटेरियन नहीं है वेल दैट्स नॉट अ क्वेश्चन ओवर यर ठीक है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ठीक है तो मैं जो हिंट आपको देने की कोशिश कर रहा था वो था प्रोटीन वो पल्स नहीं था प्रोटीन था तो पीस जो होता है मटर में भी प्रोटीन है ग्राम में भी प्रोटीन है पल्सेस में भी प्रोटीन है और क्या राइस में प्रोटीन है बार्ले में प्रोटीन है कोकोनट में प्रोटीन है नहीं बीन्स में प्रोटीन होता है बीन्स में प्रोटीन होता है तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर ओवरियर ठीक है ओके ठीक है तो समझ में आ गया ऑल आर रिच इन प्रोटीन है ना चलिए आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कनाडा इज टू चाइल्ड ओके कनाडा इज टू चाइल्ड सो जर्मनी इज टू वट अब कनाडा और चाइल्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है सर कहां कहां से रिलेशन आप लेकर आ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैनेडा इज टू चाइल्ड देयर फॉर जर्मनी इज टू वट जर्मनी इज टू वट क्या होना चाहिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है ठीक है गाइस जल्दी से बताइए गाइस कैनेडा इज टू चाइल्ड देर फॉर इज टू व्हाट स्पेन पेरिस शिकागो ओटावो अच्छा अब ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के आर्ग्यूमेंट्स को यहां पे खत्म करिए और जल्दी से मुझे बताइए कैनेडा इज टू चाइल्ड देयर फॉर जर्मनी टू व्हाट स्पेन पेरिस शिकागो या फिर ओटावा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है ठीक है कनाडा एक कंट्री है नेशन है देश है चाइल भी एक कंट्री है जर्मनी भी एक कंट्री है ओटावा नहीं है शिकागो नहीं है पेरिस नहीं है स्पेन है स्पेन है है ना चलिए तानिया आई होप सो यू तानिया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा महेश्वरी मुतु जी मोनिका जी भावना जी सत्यम जी ऑल आर कंट्रीज ठीक है ऑल आर कंट्रीज लेट्स सी गाइज वायलेट इज टू ऑरेंज देयर फॉर नाउ वायलेट इज ऑल्सो अ कलर ऑरेंज इज ऑल्सो अ कलर येल्लो इज ऑल्सो अ कलर सो वट नेक्स्ट कलर शुड बी हियर ठीक है ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको कुछ समझ में आएगा हिंट दू मैं आप लोगों को चलिए मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूं ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ठीक है ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा वीप ग्योर ये याद है विप ग्योर ठीक है तो विव ग्योर अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो विप ग्योर में से वी है यहां पे ठीक है ओ है यहां पे वाई है यहां पे बाकी पी पी तो विव ग्योर में होता ही नहीं है बी बी तो होता है डब्ल्यू डब्ल्यू विप ग्योर में होता नहीं है पिंक पिंक भी विव ग्योर में नहीं होता तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर गाइज वट विल भी द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर होना चाहिए था ब्लू ये सारे के सारे कहा के कलर हैं ये सारे के सारे रेमबो के कलर हैं ये सारे के सारे रेमबो के कलर हैं ठीक है याद रखेगा दट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स मूव अड मार्बल इज टू स्लेट मार्बल इज टू स्लेट देर फोर नीस इज टू वट मार्बल इज टू स्लेट देर फॉर नीस इज टू वॉट ये आप लोगों को बताना है ठीक है तो रॉक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा रॉक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो रॉक्स में एक रॉक होता है जिसको आप बोलते हैं मेटा मॉर्फिक रॉक्स में एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक ठीक है ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसी के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक में से क्या क्या प्रकार हैं ये आप लोगों को बताना है मेटामॉर्फिक रॉक में से क्या क्या प्रकार हैं ये आप लोगों को बताना है तो क्वाटाइट लाइमस्टोन कोल या फिर सैंडस्टोन कौन सा मेटामॉर्फिक है क्वाटाइट लाइमस्टोन uh, कोल या फिर सैंडस्टोन कौन सा मेटामॉर्फिक है आप लोगों को बताना है तो बताइए जल्दो बताइए जल्दी बच्चों में इसमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है वट इज द करेक्ट वन लाइमस्टोन लाइम स्टोन मेटामॉर्फिक नहीं है तानिया जी बट वेल डन आपने अटेम्प्ट किया दैट्स वेरी नाइस श्वेता इज ए ओके दैट्स नॉट राइट ओके क्वाटाइट इज द करेक्ट आंसर ओके गाइस क्वाट इज द करेक्ट आंसर ए क्वाटाइट वॉज द करेक्ट आंसर ऑल आर मेटामॉर्फिक रॉक ओके वेल डन किरण प्रीत जी वेल डन श्वेता वेल डन मोनिका जी वेल डन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस राइस इज टू वीट देर फॉर मेज इज टू वॉट राइस और गेहूं चावल और गेहूं में जो रिलेशन है वो सेम रिलेशन किसके किसके बीच में चावल और गेहूं के बीच में जो रिलेशन है वह सेम किसके किसके बीच में है मेज और ज्वार बाजरा के बीच में मेज और टोबैको के बीच में मेज और जूट के बीच में मेज और कॉटन के बीच में ठीक है थोड़ा सा ज्यादा दिमाग मत लगाएगा थोड़ा सा कम दिमाग लगाएगा तो सही हो जाएगा ये है ना देखिए राइस और वीट क्या है फूड क्रॉप है है गाइस राइस और वीट क्या है फूड क्रॉप्स हैं तो मेज भी एक तरीके का क्या है मेज भी एक तरीके का फूड क्रॉप है तो कॉटन क्या खा खाओगे आप नहीं जूट खाओगे आप टोबैको खाया जाता है लेकिन खाने की तरह नहीं जाया जाता है एंड एनीवेज टोबैको जूट कॉटन ये सब क्या है ये सब कैश क्रॉप है एक तरीके से ये आपको ये आपको कैश क्रॉप क्रॉप है है फूड नहीं ज्वार एंड बाजरा इज ऑल्सो फूड क्रॉप ज्वार एंड बाजरा इज ऑल्सो फूड क्रॉप ठीक है तो ए वॉज द करेक्ट आंसर मेनी ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर भूमि गहलोत जी ब्रिजेश सिवानी जी श्वेता त्रिपाठी जी किरणपीत कौर जी महेश्वरी मुथु जी भूमि गहलोत जी मोनिका

इसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हेयर क्या करता है हेयर हेयर अगर आपके हेड के ऊपर में है हेयर तो आपको क्या कर रहा है हेड को कवर कर रहा है ग्रास ग्रास अगर ग्राउंड के ऊपर में है तो वो जो मिट्टी है उसको कवर कर रहा है फर फर क्या करता है फर जिस जानवर के ऊपर में फर होता है मान लो जैसे कि खरगोश खरगोश के शरीर के ऊपर में फर होता है तो वो क्या करता है उसको कवर करता है सेम तरीके से और क्या इसमें से है जो बॉडी को कवर कर रहा है फेदर पंख क्या कवर करते हैं क्लोथ क्या कवर करते हैं वुड क्या कवर करता है लेदर क्या कवर करता है ठीक है तो वैष्णवी बता रही हैं प्रीतम पंडित जी हेलो वैष्णवी बता रही है कि फेदर होगा खुशबू जी बी बोल रही है किरण प्रीत ए पल्लवी ए श्वेता जी ए महेश्वरी जी ए सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग ए ए सो लेट्स गो फेदर इज द द करेक्ट आंसर ऑल प्रोटेक्ट सरफेस दे कवर ठीक है तो जो भी सर्फेसेस होते हैं उनको वो क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं पिट्यूटेरी इज टू था और थारॉयड क्या है एक तरीके का ग्लैंड होता है पिट्यूटेरी और थारॉयड क्या है एक तरीके का ग्लैंड होता है ठीक है कौन सा ग्लैंड होता है ये आप लोगों ने पढ़ना चाहिए ठीक है क्योंकि आप लोगों को बायोलॉजी जो है ये आप लोगों को पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर यूपीएससी तो बायोलॉजी में एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वही हैं ये पिट्यूटरी एंड थायराइड तो पिटूटरी और थायराइड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर में आते हैं और उसके साथ में पेनक्रियाज भी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आता है और क्या एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आता है ठीक है और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में क्या आता है ये बताना है मुकेश चौधरी जी वेरी गुड इवनिंग ठीक है तो जल्दी से बताइए गाइस देखिए किडनी जो है वो तो ऑब्वियसली नहीं आएगा लीवर भी नहीं आएगा हार्ट भी नहीं आएगा जब सब नहीं आएगा तो एड्रेनल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा तो याद रखिएगा ये कैसे हम लोगों ने मैच किया ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये सारे के सारे क्या है गाइस ये सारे के सारे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है ऑल ऑफ दीज आर वट ऑल ऑफ दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस सार्क टू कॉड ड ओके सार्कू सीओडी कॉड ठीक है उसी तरह ईल स्टू वर्ट ठीक है ईल स्टू वर्ट अब देखिए सिंपल है थोड़ा सा ज्यादा इसमें सोचिएगा मत कभी कभी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा सोच लेते हैं तो क्या हो जाता है कि हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं सार्क जो है वो क्या है वो भी एक मछली है सार्क जो है वो एक मछली है कॉड जो है वो भी एक मछली है ईल जो है वो भी एक मछली है अब वेल डॉल्फिन फिश और ऑयस्टर में कौन सा एक मछली अब देखिए मछली तो मछली नहीं होगी तो फिश आप सबसे पहले हटा दीजिए मछली तो मछली नहीं होगी फिश सबसे पहले हटा दीजिए अब आपके बच में बच गया वेल डॉल्फिन और ऑयस्टर वेल डॉल्फिन और ऑयस्टर <coughs> ठीक है तो वेल डॉल्फिन और ऑयस्टर में मछली कौन सी है ये बताइए वेल डॉल्फिन और ऑयस्टर में मछली कौन सी है ये बताइए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है कि क्यों ट्रिकी है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ठीक है क्यों ट्रिकी है ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिए ऑयस्टर तो आप लोग गलत कर ही दोगे वेल और डॉल्फिन में से फिश कौन सी है ये आप लोगों को बताना है वेल और डॉल्फिन में से फिश कौन सी है ये आप लोगों को बताना है एंड द राइट आंसर ओवर हेयर इज डॉल्फिन द राइट आंसर ओवर हेयर इज डॉल्फिन डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर वेल जो है वो सही आंसर नहीं है वेल जो है सही आंसर नहीं है और क्यों नहीं है ये आप लोग मुझे बताइए ठीक है क्यों नहीं है ये आप लोग मुझे बताइए ठीक है ये आप लोग मुझे बताइए कि क्यों नहीं है ऑल आर फिशेस ठीक है ठीक है चलिए महेश्वरी जी वेरी नाइस वेल इज मैमल वेल क्या है वेल जो है एक मैमल है दैट्स वेरी गुड लेट्स मूव अहेड सोडियम इज टू पोटेशियम सोडियम इज टू पोटेशियम देअर फॉर जिंक इज टू वॉट ठीक है सोडियम इज टू पोटेशियम देर फोर जिंक इज टू वट अब सोडियम और पोटेशियम अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो तो सोडियम और पोटेशियम क्या होता है सोडियम और पोटेशियम जो है मेटल होगा वो एक आता था ना अगर आप लोगों को याद हो क्या बोलते थे उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में जो होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरेलियम बोरन क्या बोलते हैं उसको पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम इनके बारे में सोडियम इज टू पोटेशियम देर जिंक इज टू व्हाट सल्फर कैल्शियम वाटर या फिर आयोडीन ठीक है सल्फर आप लोगों को बताना है इसमें मेटल क्या है विच इज मेटल सल्फर एक मेटल है कैल्शियम एक मेटल है वाटर एक मेटल है आयोडीन एक मेटल है क्या मेटल है गाइस बताइए जल्दी से पढ़ा था लेकिन आया नहीं कभी अरे हमारे में आया था ओके रूट इज टू स्टेम ब्रांच इज टू वॉट ठीक है रूट और स्टेम में क्या रिलेशनशिप होता है थोड़ा सा सोचो समझ में आ जाएगा रूट और स्टेम में क्या रिलेशनशिप होता है ये आपका मान लो मैंने एक पेड़ बना दिया <laughs> पेड़ बहुत आसानी से बन जाता था बचपन में हम लोगों को यही तो एक आता था ठीक है तो ये इसका रूट है ये इसका रूट है जमीन में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ठीक है ये इसका रूट है तो रूट इज टू स्टेम ये इसके स्टेम्स निकले हुए ठीक है रूट यहां पे हो गया स्टेम यहां पे हो गया अब उरे ब्रांचेस ब्रांच ये ब्रांच हो गया ओ सॉरी स्टेम तो ये हो गया अरे सर आप भी ना सर ये ब्रांचेस हो गए ठीक है ना अब वुड जो है या लीफ जो है ट्री जो है फर्टिलाइजर जो है फर्टिलाइजर से इस पेड़ का कुछ लेना देना है नहीं है फर्टिलाइजर से पेड़ का कुछ लेना देना था नहीं ट्री ट्री तो ये पूरा है ही तो ये इसका भी नहीं लेना है ना वुड वुड इसमें लकड़ी है लेकिन लकड़ी जो होता है वो पेड़ का पार्ट नहीं होता है बी लीफ इज द करेक्ट आंसर कैसे हुआ करेक्ट आंसर ये सारे के सारे ट्री के पार्ट हैं ये सारे के सारे पेड़ के पार्ट हैं ट्री के पार्ट हैं ये सारे के सारे रूट ट्री का पार्ट है स्टेम ट्री का पार्ट है ब्रांच ट्री का पार्ट है लीफ जो है वो भी ट्री का पार्ट है आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ठीक है आई रियली होप सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ओके चलिए गाइस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जैम इज टू जेली देर फॉर पिकल्स इज टू व्हाट ठीक है जैम इज टू जेली देर फॉर पिकल्स इज टू व्हाट ठीक है जैम जेली पिकल्स जैम में क्या करते हैं जैम में आप फ्रूट्स का जैम बनाते हो फ्रूट्स का जैम बनाते हो uh, कभी कभी वेजिटेबल भी डाल देते हो कुछ वेजिटेबल भी डाला जाता है जेली में भी आप फ्रूट्स वगैरह को यूज करते हो पिकल्स पिकल्स में क्या करते हो पिकल्स में भी आप मैंगो या फिर मैंगो एक तरह से फ्रूट हो गया वेजिटेबल्स का भी पिकल बनता है तो यहां पे भी फ्रूट और वेजिटेबल्स को आप यूज कर रहे हो ठीक है बटर 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 ओरिजिनल जो होता है वो तो अलग हो गया है ना बटर नहीं होगा मलमेड नहीं ग्रैप्स नहीं प्रिजर्वेटिव नहीं देखो थोड़ा सा ध्यान दो यहां पर ये यह सारे के सारे जो हैं ये सारे के सारे जो हैं यहां पे ठीक है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा गाइस ठीक है ये सारे के सारे जो हैं यहां पे ये एक तरीके से फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए ठीक है तो मर्मलेट जो होता है वो करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स इन विच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व ठीक है चलिए गाइज लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लेट सी द लास्ट क्वेश्चन डेजी इज टू पेंसी डेजी इज टू पेंसी देअ फॉर रोज इज टू वट डेजी इज टू पेंसी देर फॉर रोज इज टू वॉट ये क्या है एक फ्लार है ये भी एक फ्लावर है ये भी एक फ्लावर है तो गार्डन क्या एक होता है गाइस, गार्डन क्या एक होता है प्लांट क्या एक फ्लावर होता है रेड क्या एक फ्लावर होता है वायलेट क्या एक फ्लावर होता है गाइस, वायलेट क्या एक फ्लावर होता है यस वायलेट एक फ्लावर होता है ठीक है तो गाइस ऑल आर फ्लॉर्स ऑल आर फ्लावर्स दैट वाज़ अ करेक्ट आंसर ओके सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम मी आई होप सो एनालॉजी का एक और पार्ट बाकी है ठीक है सो अभी तक चार जो आपने एनालॉजी देखा है चार एनालॉजी की जो क्लासेस देखी ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे नन वॉज हैविंग द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है एनोलॉजी आई होप सो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे या फिर विल बी स्टार्टिंग विथ नंबर सीरीज नंबर अल्फाबेट एंड सीरीज देखते हैं जो भी होगा एंड डोंट फोरगेट वेरी सुन विल बी ऑल्सो बी स्टार्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सी सेट ठीक है सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट करने वाले लास्ट टेन ईयर्स और हमारी एक सीरीज चल रही है जो अदिति मैम करा रही है एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल इंग्लिश की सीरीज होगी कॉम्प्रीहेंशन वगैरह भी जो है वो हम लोग उसी में कवर करने की कोशिश करेंगे ओके सो थैंक यू सो वेरी मच एंड फोगेट नॉट गाइड दिज आर द सोशल मीडिया हैंडल्स वहां जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम प्ले स्टोर में हमारी ऐप भी आ गई है उपनिषद की वेबसाइट जो है उपनिषद डॉट कॉम वहां पर भी विजिट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें मेल भी कर सकते हो. उपनिषद एट द रेट जीमेल डॉट कॉम पे थैंक यू थैंक्स लॉड गाइज थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट थैंक थैंक्स लॉड विल मीट अगेन इन अनदर क्लास टिल्फ एंड एंड दैट इज लेट्स है हमें मिलकर गॉड ब्लेस